हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पे Redmi Note 9 या तो फिर 9 Pro का फ़ोन है, तो यहाँ पे अगर आप लोगों को अपने फ़ोन पर वॉल्यूम अप डाउन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो गाइज़ यहाँ पे इस टॉपिक पे मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, तो यहाँ पे मैं सोचा कि एक और वीडियो बना देता हूँ। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइज़ यहाँ पे अभी 2 दिन पहले मेरे को खुद दोबारा से ये प्रॉब्लम देखने को मिली। तो मैं सोचा यह जो है, मैं इसको पहले भी सॉल्यूशन बता चुका हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको कुछ नया सॉल्यूशन बताऊँगा। तो यहाँ पे अगर आपको भी इस तरीके से वॉल्यूम अप डाउन का प्रॉब्लम आता है, अपने आप आपके फ़ोन में वॉल्यूम अप डाउन हो जाता है, तो गाइज़ ये जो प्रॉब्लम होता है ना, वो बेसिकली आपके फ़ोन पर तभी देखने को मिलता है क्यों जब आप लोग यहाँ पे अपने फ़ोन पर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करते हैं। यानी कि अगर आपके फ़ोन पर सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाता है, अब यहाँ पे मेरे फ़ोन पर दोबारा से प्रॉब्लम आ गया था, क्योंकि मेरे फ़ोन में इसलिए प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि मैंने जो है सॉफ्टवेयर अपडेट किया ही नहीं था। मेरा जो फ़ोन है वो Redmi Note 9 Pro है। तो पहले मेरे को प्रॉब्लम आया था, तो उस टाइम मैंने आप लोगों को वीडियो बना के बताया था। तो उसके बाद जो भी पहले मैंने जब भी मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम आता था, तो यहाँ पे मैं उसको जो है ठीक कर लेता था रिबूट वगैरह करके। बट अभी जो है कुछ दिन पहले मेरे को दोबारा से ये प्रॉब्लम आ चुका है, तो अभी मैं उसको सॉल्व कर चुका हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको यहाँ पर क्या करना है। तो गाइज़ यहाँ पर अगर आपका फ़ोन जब आप लिए हैं, तो उस टाइम से यहाँ पे उसके बाद से आप लोग यहाँ पे अपने फ़ोन को बिल्कुल भी अगर आपने अपडेट नहीं किया है ना, तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले जाइए, यहाँ पे सेटिंग में आइए और यहाँ पे आपको अबाउट फ़ोन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे MIUI वर्जन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मेरे फ़ोन में MIUI 12.5 दिखा रहा है। तो गाइस यहाँ पे Redmi Note 9 Pro के फ़ोन में कम से कम 2-3 अपडेट यहाँ पे मिल चुका है, बट यहाँ पे मैं बिल्कुल भी अपडेट नहीं कर रहा था अपने फ़ोन पर। मैं जब भी नया फ़ोन लिया था, उस टाइम के बाद मैंने बिल्कुल भी अपने फ़ोन को अपडेट नहीं किया था, तो इसके वजह से ही मेरे फ़ोन में वॉल्यूम अप डाउन का प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको भी अगर वॉल्यूम अप डाउन का ऑटोमेटिकली जो है वॉल्यूम अप डाउन का प्रॉब्लम आता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है। इसके पहले गाइज़ मेरे फ़ोन में एक और अपडेट था, तो उसको मैंने अपडेट किया, तो फिर उसके बाद यहाँ पे एक और अपडेट आ गया तुरंत सा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेना है अगर आपके फ़ोन में अपडेट आया हुआ है, और आप लोगों ने बिल्कुल भी कभी अपने फ़ोन को अपडेट नहीं किया है, तो इसके वजह से ही आपको अपने फ़ोन में वॉल्यूम अपडाउन का प्रॉब्लम आता है। और गाइज जैसे ही आप लोग यहाँ पर अपने फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आपका जो ये जो था ना, पहले एक रेड कलर मतलब कि सॉरी ब्लू कलर में ये वॉल्यूम अप डाउन आता था, बट अभी देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मैंने अपने फ़ोन को अपडेट किया है, तो ये सारी फीचर्स जो है यहाँ पे चेंज हो चुकी है। तो गाइस वो ये जो वॉल्यूम अप डाउन का जो प्रॉब्लम आ रहा था ना, वो बेसिकली जो है आपके फ़ोन में जो है सॉफ्टवेयर अपडेट ना होने की वजह से आ रहा था, इतना तो कंफर्म है। अब देखिए दोस्तों, मैं अभी जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट किया हूँ, तो मेरे फ़ोन पे ये जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गई दोबारा से, और यहाँ पे ये जो नया अपडेट आ चुका है, यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देता, पहले कुछ अजीब सा दिखाई देता था, और यहाँ पे और कई सारे फीचर्स यहाँ पे ऐड हो गए हैं। तो आप लोग डेफिनेटली आप लोग अपने फ़ोन में सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।